इसराइली फ्लैग वाला और पाकिस्तानी स्क्वाड में ये बात कुछ समझ नहीं आई। लॉबी में मैंने इस अरबी को टारगेट किया था जो हम सबको मुक्के मार रहा था, लेकिन गेम प्ले के अंदर मेरे एक टीममेट को मारा। पाकनट नाम है इसका और फ्लैग लगा हुआ है इसराइल का और पाकिस्तानियों की स्क्वाड में खेल रहे। ये देख के मैंने अपने टीममेट को बोला घड़ी भगा, देखे जरा ये कौन सा आदमी जिसको इसराइल से इतना प्यार था पाकिस्तान। तो ये रहा वो पाक नट नाम लिखा हुआ इसने इसराइली फ्लैग है इसका। माइक तो ये नहीं ऑन कर रहा था। अब हमसे ये गलती हुई, जिसका फ्लैग पाकिस्तानी था हमने गलती से उसे मुक्कों से मार दिया, जिसका इसराइली था उसको हमारे दोस्त टीममेट ने गन से मार दिया। तो भाई पहले मैं समझा शायद हो सकता है ये कोई रेंडम हो उनके साथ, लेकिन नहीं, ये इन्हीं का दोस्त था, क्योंकि इसी की स्क्वाड का दूसरे बंदे ने हमारे टीममेट को नॉक करके फिनिश किया बदला लेने के लिए। पाक जेजी नाम था उसका। तो उसको मारने के लिए पहले मैं ऊपर पहाड़ी पे गया, क्योंकि मेरी जान दुनिया में सबके लिए हुए सिवाय इन बगैरतों का, जिसका फ्लैग तुम्हारे स्क्वाड में बंदे ने लगाया हुआ है। भाई जिंदा कैसे तुम्हारी स्क्वाड में है? तो यहाँ से मैंने इसको स्नाइपर में मार दिया था, ठीक है, क्योंकि बंदे के नीचे आया हुआ था। तो ये वीडियो आपने इस बंदे तक पहुँचाने के लिए शेयर करनी है कि मेरी जान दुनिया में बहुत सारे फ्लैग है सिवाय इन बगैरतों के फ्लैग का, आप कोई दूसरा लगा लो मेरी जान, बाकी मैं पाकिस्तानी हो गई वीडियो अपलोड नहीं करता। लव एंड रिस्पेक्ट है तमाम भाइयों के लिए, लेकिन इन बगैरतों की सिर्फ इसी वजह से की है। बस आपने वीडियो शेयर करके इन तक पहुंचानी है कि भाई बगैरती का झंडा हटा के कोई भी दूसरा झंडा लगा दो। तो बात रह गई हमारे लोबी के उस टारगेट की, तो यहाँ पे हमने उसको 1v4 में मारे। अब गेम आप इंजॉय करो सफेद सीट पे। तो ये रहा वो लोबी का टारगेट जिसको हमने 3 नॉक कर दी। एक बंदा इनका रहता है यहाँ पे जिसको हमने मारा है बम डब्ल्यू बम के साथ। आई वाह, अच्छा सही कि नहीं? अब इसको देखो ये सर दिखा रहा है, ओ मेरी जान, ए डब्ल्यू में। अब इस वाले को देखो, ये खानदानी देश है देर के सामने, और वो भी मोली हम पे पेंक रहे, ये नहीं समझते है कहीं भी हमारे ए डब्ल्यू एम और बम डब्ल्यू बम इन दोनों पे कभी शक नहीं कर रहे। ले यहीं तक थी हमारी गेम प्ले। 14 किलो के बाद यहाँ मैं भी मारा गया था, लूट कर रहा था स्मोकों में, लेकिन शायद उसने अच्छी स्प्रे दी, सही अंदाजा लगाया और उसमें मैं मारा गया। लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्हीं इसराइली को इसे अपलोड की थी, और ये टारगेट था 1v4 का जो आपके सामने। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक अरबी है जो मुझे चैलेंज देके कह रहा है I will kill you। अब यहाँ पे एक हबीबी हमारे सामने आके बैठ गया, हम समझे कि हमें टारगेट कर रहा है, तो हमने भी टारगेट का इमोट किया, लेकिन वो हमें सामने से बोला नहीं भाई साहब हम लड़ने के मूड में नहीं है और निकल गए। लेकिन ये वाला भाई बोल रहे कि हम है लड़ने के मूड में, भाई कौन है जो हमारे होते हुए इमोट कर रहा है। बाकी गेम प्ले देखो और नीचे क्या कह रहे चीखे से। بالله عليك فين شبكتك؟ بالله عليك فين شبكتك؟ فنش هذا 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 और यहाँ पे इमोट के साथ मैंने इसे बताया कि मेरी जान ये इमोट नहीं कोरोना वायरस के 2 डोज हैं, जो एक मैंने आपको लॉबी में बताया और दूसरा ये रहा। बाकी लव यू है।